कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि 12 घंटे पढ़ो 13 घंटे पढ़ो बट वो फोकस नहीं होते। तो ये ना मेरे को लगता है कि थोड़ी हाइप है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि 4-5 घंटे पढ़ो बट उसको प्रॉपरली प्रोडक्टिव वे में पढ़ो, फिर छोटा सा ब्रेक ले लो एंड उसके बाद फिर से वापस पढ़ो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 16 घंटे पढ़ के ही होगा, अच्छे से अगर प्रोडक्टिवली थोड़ा भी पढ़ा तब भी वो हो सकता है। सो या वेलकम टू टॉपर टॉक्स, अ पॉडकास्ट सीरीज बाय एग्जाम फैक्टर। मेरा नाम है रोहन और आज है अर्पिता हमारे साथ। हाय अर्पिता। हेलो। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो या हेलो, आई एम अर्पिता एंड करंटली आई एम परस्यूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज। ओके, सो आई जस्ट लाइक टू टेल यू कि अर्पिता को इकोनॉमिक्स और मैथ्स में, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज में 100 out of 100 मिले हैं, राइट? दैट इज 100th percentile ऑब्वियसली। How did you do that? Sir, actually from 11th standard, BST has been my favorite and मेरी जो business studies, right? Yeah, business studies. So मतलब जो theory subjects होते हैं उन पर जो command है मेरी वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है, तो BST हमेशा से favorite था। तो मतलब when you like the subject तो it's not that difficult to score well, वो हो जाता है अपने आप and आपको वो पढ़ने का भी मन करता है। एंड इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जब आप डेप्थ में पढ़ते हो तो यू फील है कि अच्छा ऐसे होता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो भी इंटरेस्ट आता है तो यू स्कोर वेल, वो कोई ऐसा है नहीं। तो ऑल दीस सब्जेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। या इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंड कैसा माहौल था जब आपको ये मार्क्स मिले? CUET स्कोर, तो सर बहुत ही हैप्पी और लाइवली माहौल था। मतलब पहले बहुत डर लग रहा था कि कैसे क्या आएगा क्या आएगा, ऑल्दो माई एग्जाम्स वेंट वेल बट स्टिल आई वॉज वेरी स्कैर्ड। तो फिर हमने खोला, लॉग इन किया तो एकदम से देखा तो सो हैप्पी, मतलब मैं घर पे सब मम्मी एंड ऑल एंड आई कॉल्ड पापा इमीडिएटली कि ये स्कोर आया, तो दे वॉज सो हैप्पी, मतलब बहुत ही अच्छा मस्त माहौल था। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी CUET एग्जाम के बाद, आपको क्या लग रहा था, हाउ मच विल यू स्कोर? सर माई एक्सपेक्टेशंस वर रियली हाई क्योंकि एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे, तो एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग SRCC बट क्योंकि इस बार मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन था तो आई कुड नॉट मेक इट, बट मतलब एग्जाम्स अच्छे गए थे एंड स्कोर भी काफ़ी अच्छा था। SRCC का क्या कट ऑफ रहा होगा? सर अराउंड 780 पे वो क्लोज हो जाता है। अच्छा। और मतलब इस बार एडमिशन्स भी बहुत सारे थे, मतलब अराउंड आई बिलीव 15 लाख स्टूडेंट्स गेव CUET। हाँ। तो और इस बार और भी ज़्यादा देने वाले हैं। हाँ। 24 लाख के आसपास। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, आई गेस आपने लिया है इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन एंड GT। आपने ये सब्जेक्ट्स कैसे सेलेक्ट किए, मतलब व्हाई डिड यू सेलेक्ट दीज सब्जेक्ट्स? सो सर बेसिकली जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे वो तो लेने ही थे क्योंकि उनसे ही डायरेक्ट आपके कोर्सेज के ऑप्शंस खुलते हैं। अदर देन दैट इंग्लिश लैंग्वेज वॉज कंपल्सरी एंड मतलब लैंग्वेज एनीथिंग, मेरे को इंग्लिश ही लेना था। एंड उसके बाद GT का थोड़ा सा वो होता है कि कोई लेता है नहीं लेता, तो माइंड वॉज लाइक कि ऑप्शंस बहुत खुल जाएंगे। एंड सेकेंडली माई एम वॉज शहीद सुखदेव ऑल्सो, BMS फ्रॉम शहीद सुखदेव, सो बहुत ही, तो उसमें GT तो लेना ही था वो। फॉर आवर ऑडियंस कैन यू जस्ट क्लैरिफाई कि शहीद सुखदेव का BMS व्हाट डज इट मीन? इट इज़ बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है उनका, वन ऑफ द टॉप कोर्सेज है वो, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक दैट। तो उसमें GT का तो नीड था ही तो मैंने वो दिया एंड GT इसलिए लिया, इंग्लिश लेना ही था एंड क्योंकि हमारे टाइम में 10 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन था, तो आई थॉट कि जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स दे सकते हो उतने दे दो क्योंकि जिसमें अच्छा स्कोर आएगा फाइनल स्कोर वही बन जाएगा। सो दैट वॉज द बेसिक वो कि क्यों लेने हैं ज़्यादा। और उसका क्या कट ऑफ पहुँचता है? सर उस मतलब उसमें तो बहुत ही कम सीट्स होते हैं उसमें, जब हम GT का स्कोर लेते हैं तो 650 बनता है वो। अच्छा। 250 फॉर GT एंड अदर 2 सब्जेक्ट्स, तो उसमें जो अदर बेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं तो 650 में से आई गेस 623 और इतना कुछ। और कितने सीट्स होते हैं इफ यू रिमेंबर? आई थिंक फॉर जनरल मे बी इट इज 70 टू 80 सीट्स। ओके, सो वेरी फियर्स कॉम्पिटिशन, राइट? वेरी। बट स्टिल आप हंसराज में हो एंड यू हैव अचीव्ड अ लॉट देयर आल्सो, सो बहुत अच्छी बात है वो। तो सब्जेक्ट्स आपके क्योंकि डोमेन थे तो मैं कह सकता हूँ कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथ आपके डोमेन सब्जेक्ट्स थे, राइट? मैथ्स में भी आपने अप्लाइड मैथ्स लिया था या फिर कोर? सर मेरा कोर मैथ्स था। ओके, ठीक है। ओके, तो और फिजिकल एजुकेशन बिकॉज आपके स्कूल में आपने लिया होगा? स्कूल में वो एज एन एडिशनल सब्जेक्ट था तो आई थॉट कि एग्जाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है।
और इंग्लिश बिकॉज एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो इसलिए ठीक है, वेरी नाइस. तो बिकॉज CUET इज़ अ न्यू एग्जाम, काफ़ी नया है, काफ़ी बच्चों को कम क्लैरिटी है उसको लेकर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक बार ही मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लें कि हमें भी कुछ नहीं आता, ठीक है, और आपने बिकॉज वो एग्ज़ाम देकर क्लियर करके यू आर इन कॉलेज, आप हमें एक प्रोसीजर बता सकती हैं क्या, मतलब एक पार्ट बाय पार्ट की क्या होता है, जैसे फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद कॉलेज सिलेक्शन तक, व्हाट आर द मेन स्टेप्स विच यू डू, काउंसलिंग से लेकर सब कुछ. ओके सो सर, बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो CUET आप समझो कि जब हम 12th में होते हैं तभी से उसकी प्रोसेस चालू हो जाती है, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि बोर्ड और CUET का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लोगों को लगता है कि एक साथ प्रिपेयर हो जाता है बट वो नहीं होता है. तो आप समझ लो कि आप CUET की कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप मिड 12th में आप चालू कर दो, उसके बाद बीच में बोर्ड्स में यू जस्ट लीव इट, एक बार बोर्ड्स पे ही फोकस करो, एंड देन जो अप्रैल में आता है ना उसमें शायद आई गेस रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले ही खुल जाते हैं, तो डू रजिस्टर, अपने सब्जेक्ट्स तो क्लियर होते ही हैं दिमाग में, तो वो सब्जेक्ट्स रजिस्टर करो एंड अप्रैल मई में फुल फोकस से पढ़ाई करो, एंड देन बाकी का प्रोसेस धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन आती जाती है, मतलब एग्जाम्स देते हो फिर शायद थोड़ा टाइम गैप होता है, फिर उसमें फिर आपका रिजल्ट्स वगैरह आता है, एंड देन प्रेफरेंस शीट फिल करनी होती है कि विच कॉलेज आपको कहाँ जाना है, एंड टॉप कॉलेजेस के वैसे हिसाब से, एंड फिर वो एलोकेट करते हैं आपको. ये बेसिकली DU का प्रोसीजर है मेनली, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते हो तो. Okay, तो जो आपने कॉलेज फिल किए हुए होते हैं उसके लिए आपको के बेसिस पे, हाँ आपको कॉलेज वो अलॉट होता है कि नहीं होता है, दैट वेबसाइट पे आपको पता चलता है, राइट, एंड देन आप उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन लेते हो जिसमें भी आपका लिस्ट में होता है वो, उस कॉलेज का अपनी वेबसाइट होती है, तो वो तो वहाँ से ऑनलाइन प्रोसीजर होता है वो. धीरे धीरे जब मैं भी थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि क्या है वो, धीरे धीरे हर स्टेप होता जाता है मतलब इट बिकम्स इजियर जैसे आप उसके अंदर जाते, क्योंकि रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं आज हमारे पास, मतलब इंटरनेट है तो हो जाता है. तो हंसराज में एडमिशन लेके what is the college fees of Hansraj? Hansraj sir, it depends on the course. Mm-hmm. For economics honors, for yearly, it is 25,550 around. Okay. And did you compare it? आपने compare किया बाकी colleges के courses से कम है ज़्यादा है? मतलब private colleges तो of course बहुत ज़्यादा है. And private colleges का बहुत ज़्यादा होता है. हाँ. Yeah, exactly. They charge around 1 to 1.5 lakhs per year. और बाकी इसके कोई गवर्नमेंट कॉलेज के साथ कंपेयर किया था? DU की ही कॉलेज, तो नहीं DU भी नहीं हो सकता है, BHU या फिर आई डोंट हैव दैट मच आईडिया. ठीक है, मतलब आई फील कि 25 इज वेरी जेनरस. हाँ, गुड, ठीक है. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये भी एक पर्क है बिकॉज मतलब उसके जो वो है फी स्ट्रक्चर है वो उतना बल्की नहीं है, है ना. नाइस, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी, मतलब आई वॉन्टेड माई स्टूडेंट्स टू नो कि हाँ कि दिस इज़ वाई पीपल आर ट्राइंग टू गो टू DU, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स, अच्छी पढ़ाई और कम पैसे में. ठीक है, नाइस. तो हमने प्रोसीजर समझ लिया. आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लिस्ट जो उसमें फिल किया होगा तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा था और कौन से कॉलेज आपके प्रेफर्ड कॉलेज थे, एक्सेप्ट हमने सही चुक दिए वो DU के अंदर आ जाता है और दूसरा आपने कॉलेज का नाम लिया SRCC, वो भी DU के अंदर आ जाता है. इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटीज आपने फिल की थी? हाँ सर, एज अ बैकअप ऑप्शन मेरे हिसाब से सबको फिल करना चाहिए. लाइक IP जो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो उनका अपना एग्जाम होता है, तो उसका फॉर्म भी मैंने फिल कर दिया था साइड बाय साइड, वो भी मैंने दे दिया था, एंड उसमें भी आई गॉट द टॉप वन कॉलेज, बट वो फिर क्योंकि DU मिल रहा था तो आई जस्ट लेफ्ट दैट, तो वो नहीं लिया. एंड JNU है, BHU है, एंड वो तो सब CUET स्कोर पे ही ले लेते हैं, तो वो तो साइड बाय साइड आपका होता ही जाएगा, बस उनके फॉर्म्स भरने होते हैं, बाकी वो लेते CUET स्कोर ही हैं. अच्छा. तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे मैंने देखा था आपका फॉर्म, तो मीठी भाई वगैरह भी भरा था आपने. यू वांटेड टू गो टू मुंबई? सर एक्चुअली एक बार के लिए भर दिया, बिकॉज सो यू वांटेड टू स्टे इन दिल्ली. ठीक है, दिल्ली इज़ अ गुड ऑप्शन एज वेल. ठीक है, और कोई ऐसा कॉलेज जो आपको लगता था कि हाँ ये भी मिल जाता तो मैं ले लेती, एक्सेप्ट लाइक एनी कॉलेज आउटसाइड DU? नो सर, आई ऑलवेज थॉट ऑफ DU ओनली, क्योंकि यहीं पे हम रहे हैं, तो सारे सिबलिंग्स एंड ऑल सब ने यही बताया, एंड DU हैज बीन इन माय लिस्ट. नाइस नाइस. सो हाउ इज इट ऑल गोइंग नाउ, मतलब कैसा चल रहा है कॉलेज में, आर यू एंजॉयिंग इट? यस सर, कॉलेज इज वेरी फन, मतलब थोड़ा बहुत हेक्टिक भी हो जाता है एट टाइम्स, बट अदर देन दैट इट इज़ फन. And it is about learning how to manage time. मतलब आपको college भी जाना है, आपको थोड़ा बहुत fun भी करना है, societies में भी जाना है, फिर curriculums में, और कब internships भी करनी है, तो वो पूरा manage करना होता है, and school से बहुत different है. So Arpita, I would like to know, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए CUET एक बहुत नया exam है, और
मुझे लगता है इसका एक्सपोजर अभी बहुत कम है, और आपने एग्ज़ाम दिया है और आपने उसके साथ एक कॉलेज भी अटेंड किया है आप लॉट को, तो क्या आप हमें ये प्रोसेस इन पॉइंट्स समझा सकती हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, कितना टाइम लेकर, मतलब हाउ एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन? सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम. आई थिंक इट हैपन्स बिटवीन मार्च, फेब्रवरी मार्च, इट कम्स अराउंड एट दैट टाइम. सो फर्स्ट यू हैव टू फिल द फॉर्म. Secondly, you will be giving the exam, which will be a computer-based test. Okay, so you have to reach the center and give the exam. After that, the third thing would be your results would come. And after that, your preferred university. You have to go to their website and you have to register there. Okay, and then you just need to fill all the courses you wish to and the colleges you wish to appear in. So just fill out that top to bottom, what's the best college. Yeah, and you just need to, and after a few time, 2-3 weeks or some time, they'll just allocate you one college. Okay. And also after that, you can just upgrade it if you wish to. Okay. And if it happens, then it's a good thing. But in my case, it didn't happen. वो fail हो जाती है top colleges. हाँ हाँ बिल्कुल, वो कोई छोड़ता नहीं है generally. मतलब अगर कोई छोड़े तो आप वो कर सकते हैं. सो देयर आर 2-3 राउंड्स ऑफ अपग्रेडेशन. ठीक है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, वेरी नाइस. तो हमने प्रोसीजर समझ लिया. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो तैयारी की है, जो पूरा आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही है, तो कब आपने CUET के लिए, मतलब बोर्ड्स की तैयारी तो ऑब्वियसली जब से आप शुरू करेंगे तब से कर रहे होंगे, पर CUET की तैयारी स्पेसिफिकली आपने कब से शुरू की कि हाँ मुझे CUET मोड में आना है, और कब आपकी ये तैयारी आपने पेसअप की, मतलब एक तो हुई तैयारी शुरू करना, पेसअप कब की, और कब आपको लगा कि हाँ इसमें मैंने आराम भी दिया, रिलैक्स्ड फेज भी था, कैन यू एक्सप्लेन दैट? सो सर, एक्चुअली द बैच ऑफ 2023 वाज लकी इनफ टू नो व्हाट CUET इज, एंड इट वाज नॉट अ शॉक फॉर अस. सो पता था पहले से ही. तो इन माई मिड 12th, आई बिलीव इन सेप्टेम्बर अक्टूबर, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट. मतलब थोड़ा बहुत इफ़ यू स्टार्ट डूइंग तो वो एकदम से बाहर नहीं आता. तो थोड़ा बहुत आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद माई फॉर बोर्ड्स ऑफ कोर्स. तो फिर सर अराउंड दिसंबर तक आई प्रिपेयर्ड, एंड फिर जनवरी फेब्रवरी के लिए आई लेफ्ट इट ऑल. फिर मैंने प्रॉपरली बोर्ड्स के लिए फोकस किया. फिर जब बोर्ड्स हो गए तो अप्रैल में आई अगेन टू कॉल माई सब्जेक्ट्स. तो फिर मैंने एकदम, मतलब बहुत ही रिगरस था वो 2 महीने, अप्रैल से मई जो था, बहुत ही रिगरस, मतलब दिन रात पढ़ाई करी. एंड उस टाइम बहुत फोकस करना होता है, मतलब दैट्स द मतलब एग्जाम से 2 महीने पहले. हाँ, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से करो एंड यू विल एंड अप इन अ गुड कॉलेज. ठीक है. और कैसे, मतलब इन तैयारियों के जो फेजेस आपने बताए, इसमें आपने क्या स्ट्रेटजीज क्या ली, मतलब इस टाइम तक आप ये पढ़ रहे थे फिर आपने कुछ और थे, तो ये क्या था? सो सर, बेसिकली जैसे बोर्ड्स का तो कॉन्सेप्ट अलग ही होता है, उसमें पूरा पेज भरने होते हैं एंड ऑल. तो CUET में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. तो जैसे आप फर्स्ट डे से पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स अगर आप फर्स्ट डे से कर रहे हो तो शायद इतना बेनिफिट ना हो, मतलब कि वो एक टाइम पे आके भूल जाते हैं. मतलब बेसिक जो मैथ्स एंड अकाउंटेंसी वगैरह है, तो उसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाओ ताकि वो अच्छे से रहे, उनको प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि एक तो फास्ट हो जाओ आप, वो बोर्ड में भी हेल्प करेगा और CUET में तो बहुत ही हेल्प करेगा. तो टाइम मैनेजमेंट और मॉक्स दो ज़्यादा से ज़्यादा. अप्रैल मई में तो मॉक्स ही मॉक्स दो सिर्फ, ताकि पता लगे कि कहाँ वीक हो और कहाँ काम करना है. आपने बोर्ड्स के लिए आंसर राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस की थी? सर, आई डिड दैट वेरी लेस. मतलब मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लिखूँ. आई बिलीव इन कि मैं बार बार उसको पढ़ूँ. इनहेरेंटली आपके अंदर वो आता है. मैं वहाँ पेपर में आई कैन राइट, तो वो मैं इतना नहीं करती थी. हाँ, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. हाँ, कि अलग अलग लोगों के लिए आप किसी को, लाइक माई फ्रेंड्स यूज टू डू इट अ लॉट. मतलब दे यूज टू मेक लॉट्स ऑफ नोट्स और बहुत कुछ बनाते थे वो, बट मैंने इतना नहीं बना. मतलब ये बहुत सीखने वाली बात है कि आपके लिए जो वर्क कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, कि आप ऐसा भी नहीं है कि आप सुनकर वही करे जा रहे हैं और पता चला आपकी मेहनत जो है आप मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेगी उससे अलग शायद. और सर, ये टाइम टेबल पे भी एप्लीकेबल होते हैं कि कुछ लोगों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात को, तो वो आपके ऊपर है. डोंट फॉलो सुबह या रात को. सर, मेरा रात का ज़्यादा होता था क्योंकि मतलब रात में फोकस बहुत होता था, और रात को हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करने चाहिए ताकि मतलब नींद ना आए. हाँ, मुझे लगता है कि मतलब ये भी हमको देखना चाहिए हमारे लिए क्या काम कर रहा है. मतलब आई यूज टू डू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो हमने तैयारी के बारे में भी जान लिया.
अच्छा, आपके बोर्ड्स कैसे गए थे? सर, बोर्ड्स बहुत ही अच्छे गए थे. आई स्कोर्ड वेरी वेल इन बोर्ड्स एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि काश बोर्ड्स के मार्क्स ही लग जाते. मतलब इतना सीयूटी भी दिया. सीयूटी से भी अच्छे गए थे बोर्ड्स, राइट? अब सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब जब सीयूटी नहीं रहता उससे पहले ऐसा लगता था कि यही लग जाते. मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर था. तो मेरा सवाल उन लोगों के लिए है, उन लोगों के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ जो बच्चे बोर्ड में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं. तो क्या उनको क्या सीयूईटी के लिए होप छोड़ देनी चाहिए या फिर किस तरीके से वो लोग कैसे करें? हाँ, तो सर मतलब कॉन्सेप्ट अलग ही है दोनों का. तो उसमें ऐसा होता है कि 5-6 पेज भर दो बोर्ड्स में तभी नंबर मिलते हैं. तो हर कोई इतना अच्छा नहीं होता इन सब कामों में. तो मे बी ये हो कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीयूईटी इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है. जो क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट करो, कुछ गलत भी नहीं होगा, कोई नंबर भी नहीं कटेंगे. तो मतलब सीयूईटी मेरे को लगता है इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म टू जज समवन, मतलब बोर्ड से भी बेटर मेरे को लगता है. और सब मुझे लगता है कि थोड़ी बोर्ड के पेपर चेकिंग में सब्जेक्टिविटी आ जाती है, थोड़ा सा बायसनेस भी हो जाता है, हो सकता है. मतलब राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर वो देते हैं क्लियर नहीं है. तो सीयूईटी में क्लियर है सब कुछ. तो मतलब उनको होप छोड़ने की जरूरत नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर. अप्रैल में इज इनफ फॉर यू, मतलब इट्स डूएबल. डूएबल सर. अर्पिता, हमें जो सीयूईटी और बोर्ड्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है नेगेटिव मार्किंग का, राइट? तो क्या सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग है, फर्स्ट क्वेश्चन ए, और किस तरीके से आपने इसके लिए स्ट्रेटेजाइज किया, नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करना है? सो सर, हाँ, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है या मतलब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है कि सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है. पर क्वेश्चन 1 मार्क नेगेटिव होता है, +5 और -1 होता है. सो वो है, बट आई थिंक द ओनली वे टू कोप विद इट कि बहुत सारे मार्क्स दो, समझ आ जाएगा कहाँ गलती कर रहे हो. एंड बहुत जगह ऐसा भी होता है कि यू थिंक यू विल बी गेटिंग +5, बट वो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो -1 भी हो सकता है. बट ऑब्वियसली जो प्रोपोर्शन है वो 1:5 है, तो आप सोचते हो कि अटैम्प्ट कर लो तो ठीक है. अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट क्वेश्चन यू कैन अटैम्प्ट, बट नेगेटिव मार्किंग तो होती है. सो कभी आपको लग रहा है कि आपके इस सब्जेक्ट में सिर्फ नेगेटिव मार्किंग कारण कुछ मार्क्स रह गए होंगे? सर नेगेटिव मार्किंग्स आई डोंट थिंक, बट जो नॉर्मलाइजेशन हुआ ना उससे सर बहुत ज्यादा. अच्छा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है अगर हम हमारे इसको बता सकते? सर नॉर्मलाइजेशन होता है जैसे कि क्योंकि सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो बहुत सारे शिफ्ट्स में होता है, मतलब 10-20 दिन लग जाते हैं. तो फिर कभी किसी शिफ्ट में शायद थोड़ा एग्जाम ईजी आ जाता है, कभी डिफिकल्ट आ जाता है. तो जस्ट टू मेक इट टू अ लेवल सबका एग्जाम एक जैसा हो, तो NTA क्या करता है कि पता नहीं क्या पॉलिसी यूज करता है कि उससे सबका जो इक्वल हो जाता है. तो वो एवरेज करते होंगे कि इस शिफ्ट में अगर एवरेज थोड़ा इजी आया है तो थोड़ा उसको. अच्छा, और वो बेस्ड ऑन कि बच्चों ने कितना स्कोर किया है उस वाले शिफ्ट में, एक एवरेज नंबर, और उसके हिसाब से वो सारे नंबर्स उसमें नॉर्मलाइज करते हैं. ठीक है, और इसकी वजह से मतलब कई बार हो सकता है, मेरे हिसाब से तो ये भी हो सकता है कि उस वाले शिफ्ट में सारे अच्छे बच्चों ने दिया है, बहुत सारे अच्छे बच्चे थे, इसीलिए मार्क्स बहुत राइज कर गए. तो अब उसका एवरेज मार्क्स ज़्यादा दिख रहा है, तो ये हो सकता है नॉमिनेशन में. मतलब थोड़ा सा गेन है, +- हो सकता है दोनों चीज़ें, बट नाइस. तो मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा होता है मार्क्स का शिफ्ट में. आपके कितने शिफ्ट में पेपर हुआ था? मैं 3 दिन गई थी. फर्स्ट डे तो मेरा एक ही एग्ज़ाम था फिजिकल का, वो मैंने एडिशनल भरा था. फिर अगले दिन मेरा मतलब थोड़े दिनों बाद हुआ था. फिर 3 डोमेन्स थे, अकाउंटेंसी, BST एंड इकोनॉमिक्स. तीनों एक दिन हुए थे, लगातार होते हैं वो, आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है. एंड फिर 2 दिन बाद हुआ था GT इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. अच्छा, ठीक. तो ऐसे 3 दिन में हुआ था. 3 दिन में और 3 अलग अलग शिफ्ट्स वही थे, मतलब कितने घंटे का गैप रहता है? जैसे जिस दिन 3 एग्जाम थे तो उसमें तो वो लंबी शिफ्ट थे, फिर पूरा जैसे समझ लो आप 3 से 6, 6:30 तक का. एग्जाम्स के बीच में कुछ गैप नहीं होता है? वो क्या होता है ना कि ऐसे ही कंप्यूटर में ऐसे ही डाल रखा होता है कि एक एग्जाम खत्म हुआ उससे अगला चालू हो जाएगा, तुरंत उसके बाद शुरू हो जाता है. तो वो एक बार को बहुत रिलैक्स करने का टाइम नहीं होता, एंड यू हैव टू आल्सो दिमाग को भी बहुत जल्दी से वो करना पड़ता है. वेरी नाइस. ओके, तो मुझे लगता है जो नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कॉन्फिडेंस जो है आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर. आप सोच रहे हो कि 10% कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चन पे, तो +5 से ज़्यादा -1 होने वाला है ना, तो वो सोच के हमको चलना चाहिए, राइट? अच्छा, आपने इंग्लिश भी लिया था. बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए, बिकॉज इंग्लिश में शायद किताब के ही क्वेश्चन नहीं होते, वो लिटरेचर सेगमेंट नहीं है, है ना? तो कैसे करते हैं उसकी तैयारी? तो सर इंग्लिश तो थोड़ा सा तो आई वुड से इनहेरेंट ही होता है, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से ही कर लोगे.
थोड़ा सा होता ना कि बिगिनिंग से ही जब हम स्कूल से हमारी फाउंडेशन होती है कि थोड़ा बहुत बाकी अगर किसी को एकदम से ही कोप अप करना है तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह या फिर कुछ फॉरेन वर्ड्स आते हैं तो वो आप मेन टाइम पे कर सकते हो थोड़ा बहुत. बाकी इंग्लिश मतलब बहुत ही वास्ट है तो या तो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 12th ओनली सितंबर अक्टूबर से पढ़ना चालू कर दो. रोज़ 5-10 वर्ड्स पढ़ लिए या कुछ सेंटेंस मेकिंग कुछ भी सीख लिया तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करो. एंड बाकी तो इंग्लिश तो यू कैन नॉट जस्ट एक रात पहले की लेके बैठ गए तो वो नहीं होगा. वैसे तो थोड़ा टाइम इंग्लिश में तो टाइम देना पड़ता है. ठीक है. और क्योंकि आपका इनहेरेंटली अच्छा था थोड़ा बहुत इंग्लिश तो उसके कारण आपको हेल्प मिल गई. अगर नहीं है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. और इंग्लिश के मार्क्स भी जुड़ते हैं. जैसे आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया तो उसमें इंग्लिश के मार्क्स भी जुड़े हैं. सर 800 में 200 इज फॉर इंग्लिश एंड बाकी 200 थ्री डोमेन सब्जेक्ट्स विच आर बेस्ट. मतलब इट बट मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहे वो अप्लाइड हो चाहे कोर. हाँ वो इट इज़ कंपल्सरी. इसमें से एक आपके पास होना चाहिए. मतलब इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंग्लिश तो काउंट होगा ही होगा. यू कैन नॉट रूल आउट इंग्लिश. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ उस टाइम जब आपने दिया 2023 PYQs भी इतने नहीं थे. आप मतलब आपको कैसे पता था कि हाँ इस तरीके से ही प्रिपेयर करना चाहिए मुझे. सो सर मतलब इतने PYQs नहीं थे बट स्टिल कुछ लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी कि क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है एग्जाम पैटर्न है क्या क्योंकि 2022 में देख लिया था हमने. तो थोड़ा बहुत कंटेंट था यूट्यूब पे अवेलेबल और वैसे भी तो इट काइंड ऑफ हेल्प. बाकी पुराने बोर्ड्स के पेपर ले सकते हो या फिर मतलब बहुत सोर्सेज हैं इंटरनेट पे तो मॉक्स मिल जाते हैं सो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. और NCERT थॉरली NCERT के पीछे भी होते हैं कुछ MCQs वगैरह सो यू कैन प्रैक्टिस. एग्जाम्पलर में होते हैं. एग्जाम्पलर में बहुत सारे होते हैं तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके ठीक है. तो आपका कॉलेज है हंसराज कॉलेज. आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ कुछ बताइए. फीस हमने जान ली है. पढ़ाई कैसी आपको क्या लग रहा है कैसी अच्छी हो रही है आपने जितना एक्सपेक्ट किया था वैसे हो रही है. सो सर हंसराज कॉलेज शाहरुख खान का कॉलेज है. सो सर इट इज़ वेरी मतलब फेमस है उस मामले में. तो पढ़ाई सर बहुत अच्छी है बट अगर आपको एकदम वही आदत है कि स्कूल में तो ना एक पूरी स्पून फीडिंग ही होती थी कि टीचर ही सब कुछ बताएगा तभी करोगे तो वो नहीं होता है. मतलब यू हैव टू वर्क आउट योर सेल्फ. कुछ चीज़ें खुद देखनी पड़ती है. बाकी क्लासेस तो रेगुलर होती है जैसे स्कूल में होती थी. बाकी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है कॉलेज के अंदर. मतलब आपको लगता है कि क्लास मत लो या तो बट वो मैनेज करना पड़ता है. क्लास ना लो तो क्या करो. मतलब बच्चे घूमने का वो रखते हैं ना कैंपस के अंदर ही. हाँ कैंपस के अंदर या कहीं बाहर. अच्छा ठीक है. तो सबको पता है वी आर ऑल्सो रनिंग अ कैंपेन जिसके अंदर अगर आप हमारे साथ होते या फिर अभी जो बच्चे होंगे जो हमारे साथ एसोसिएटेड होंगे किसी भी फॉर्म में या तो मॉक देकर या फिर हमारा क्रैश कोर्स लेकर या फिर किसी भी फॉर्म में तो आवर कैंपेन इज कि आप दिखाओ दम और फीस भरेंगे हम. सो द फर्स्ट सेमेस्टर फीस विल बी पेड बाई अस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे और उनका ये बेस्ट 6 कॉलेजेस के अंदर जो आप 6 कॉलेजेस हमारे डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे तो वहाँ पे है. सो आई होप कि आप होते तो सर बहुत ही इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. मतलब आई विश मेरे टाइम पे भी होता. या थैंक यू. ठीक है. तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या होती हैं कॉलेज में क्या स्कोप है उसका बिकॉज बहुत सारे बच्चे शायद स्पोर्ट्स कोटा वगैरह से भी जाते हैं उसमें. तो सर मतलब सोसाइटीज़ तो होती हैं बहुत बहुत एक्सपोजर है कॉलेज के अंदर जितना भी आप करना चाहो. मतलब सोसाइटीज़ हैं एंड देन केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो आप वहाँ जाते हो वहाँ पे आप प्रेजेंट करते हो. और भी बहुत कुछ है. आई बिलीव डांस सोसाइटी होती है सिंगिंग विच एवर टैलेंट. मतलब थिएटर सोसाइटी भी है. हाँ डिबेटिंग है. मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट करता है यू कैन एनरोल. और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं एंड स्पोर्ट्स भी हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं. सो आपको टीम में भी ले लेते हैं वो लोग इफ़ यू परफॉर्म वेल. एंड फिर टीम से भी बहुत बहुत जगह जाना होता है. कॉलेज से निकलने के बाद व्हाट डू यू थिंक बिकॉज यू आर इन अ गुड कॉलेज तो क्या डिफरेंस होगा एक एवरेज बच्चा एक नॉर्मल कॉलेज से जब निकलेगा और आप जब हंसराज से निकलेंगी तो अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंस होगा कॉलेज क्या प्रोवाइड कर रहा है. तो सर बेसिकली जैसे मैं DU की दो कॉलेजेस का एग्जांपल लूँ तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता. मतलब इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो कैसे मतलब अपना कॉलेज के 3 साल स्पेंड कर रहा है. बट एक चीज़ जो मैंने सीखी जैसे मैं आई एंटर्ड हंसराज तो आई सॉ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. तो जब आप वो देखोगे आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे अगर आप वापस वो नहीं करोगे. आपको भी लगेगा कि नहीं मेरे को भी ये करना है क्योंकि वो कर रहा है. तो वो कॉम्पिटिशन से ना समवेयर यू ग्रो. यू डोंट नो बट यू आर ग्रोइंग.
तो एक वो पॉइंट है, शायद उन कॉलेजेस में इतना कंपटीशन ना हो, मे बी टीचर्स आर ऑल्सो वेरी लीनियंट और समथिंग, बाकी तो आई बिलीव इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड. मतलब और कुछ ऐसे जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं लोग, बच्चे भी अगर बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको भी समझने को मिलता है. सो आई थिंक जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको मिले हैं आसपास, द पीयर जो आपका ग्रुप है. सो दैट्स व्हाई समबडी ड्रीम्स ऑफ SRCC और क्यों करता है, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू है एंड कंपनीज आती हैं टू हायर, एंड तो वो डिफरेंस है. मतलब आपके सपने अपने आप बड़े हो जाते हैं, आपका मिनिमम भी वो कम नहीं रहता, मिनिमम भी एक वो थ्रेशोल्ड तक जाता है. वेरी नाइस. सो व्हाट डू यू वांट टू डू प्लीज आफ्टर दिस, इफ कॉलेज गेट्स ओवर तो आप क्या करना चाहती हैं आगे? सो सर आई एम प्लानिंग टू डू MA इन इकोनॉमिक्स, एंड सर इफ इट हैपेंस टू बी फ्रॉम DSE दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इट वुड बी बेस्ट, एंड या आई विल बी गिविंग एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर दैट. या सो you want to, and उसके बाद क्या, like बहुत बहुत वो है बचकाना सवाल है, but still I want to know कि what is your आपके दिमाग में कितना ऊपर आपने अभी तक सोचा हुआ है? So sir, whenever I see people on LinkedIn, they are working in World Bank or RBI, so sir it kind of fascinates कि I want to land there. तो yeah, it's not a proper plan कि क्या होगा आगे, but to do something well and it's a basic plan. Who is your like idol for this? Sir, वैसे he's in my family, my brother. I really admire him. मतलब he is an engineer, so he did so well. So I always look up to him that he did so well and. Okay, nice. So आपने कहा कि आपका notes वगैरह में बहुत ज़्यादा आपने notes पे मेहनत नहीं करी थी, ठीक है? And that's worked for you, so it's completely okay. I'd like to, आपने मॉक्स के बारे में बताया कि आप मॉक्स आपको देने चाहिए दो महीने में. आपने कुल मिलाकर कितने मॉक्स दिए होंगे बिफोर एग्जाम? सो सर बेसिकली बिफोर मतलब बोर्ड से पहले तो कुछ खास नहीं किया था, बट आफ्टर बोर्ड्स इट वाज वेरी रिग्रेस. मतलब हर अल्टरनेट डे पे आई यूज्ड टू गिव अ मॉक, एंड पूरा वो प्रॉपर बैठ के एक घंटा दो घंटे वाला प्रॉपर मॉक्स टाइम लगा के. सो आई वुड से अराउंड 20-30 मॉक्स आई हैव गिवन. आपको क्या लगता है मॉक्स देने से जो मैं जानना चाहूँगा, देखो बेनिफिट होता है ये सब कहते हैं, पर हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट हम कर सकते हैं क्या ये चीज़ एक्चुअली बेटर होती है मॉक देने से? सर बहुत बेटर होता है. आई बिलीव जैसे बोर्ड्स होते हैं तो उसमें तो हम सोचते हैं कि इतना कौन लिखेगा, मतलब कौन मॉक दे बोर्ड्स का. तो लेकिन CUET क्या है ना कि टाइम भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है. मतलब आपको पता लग जाता है कि भाई मैं एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा रही हूँ तो मेरे को अब आगे कम लगाना है, तो बहुत बेटर हो जाता है. मतलब आई बिलीव हाँ, मॉक इज द की, मॉक करने ही चाहिए. आप ये जो मॉक्स दे रहे थे तो क्या आप एक ऑनलाइन मीडियम पे दे रहे थे या फिर आप एक ऑफलाइन मीडियम में दे रहे थे? सर समटाइम्स आई यूज टू गिव ऑफलाइन, मतलब जाके, एंड बाकी जैसे इंटरनेट पर जो भी अवेलेबल हो जाता है तो आई यूज टू गिव ऑनलाइन ऑल्सो. तो मैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके टाइम पर शायद ये मॉक्स का उतना ज़्यादा वो नहीं था और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो विथ एग्ज़ाम फैक्टर हमने कोशिश की है कि हमने 12 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स अपने पूल में रखे हैं जिसके अंदर हम 15-20 मॉक्स, अबंडेंस ऑफ मॉक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, और ये सारे के सारे बिल्कुल रियल टाइम जैसा आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस होने वाला है. वो NTA की जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एग्ज़ाम देते हैं, नियरेस्ट उसका एक क्लोजेस्ट रेप्लिका पे आप देते हैं, वो रेप्लिका भी नहीं बोल सकते, बट इट्स वेरी क्लोज टू दैट, और यू कैन स्ट्रेटजाइज बेटर इन एन ऑनलाइन मीडियम आप ये दे सकते हो. उसके बाद द रिपोर्ट्स एक्सेट्रा जो भी आपको मिलते हैं वहाँ से, दे आर वेरी डिटेल्ड, और वो आपको जैसे ही आप एग्ज़ाम ख़त्म करते हो यू गेट दोज रिपोर्ट्स एंड यू कैन फाइनली एनालाइज कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से टॉपिक स्ट्रांग हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर बेस्ड ऑन दैट. सो आई होप कि आपके टाइम पे भी होता, राइट? बट स्टिल यू हैव अचीव्ड लॉट, तो लेट द स्टूडेंट्स टेक द बेनिफिट नाउ, अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वॉट बुक्स आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे या फिर जो बाकी भी सब्जेक्ट्स थे उनके लिए आपने कौन सी किताबें यूज की, NCERT पढ़ी या फिर कुछ और किताबें पढ़ी? कैन यू टेल अस दैट टू आवर स्टूडेंट्स? सो सर बोर्ड्स के लिए तो बेसिकली हमें टीचर्स ने रेफर किया था क्लास 12th में, तो फॉर कॉमर्स साइड NCERT इतना प्रोमिनेंट नहीं है. यू कैन सी अकाउंट्स में TS ग्रेवाल एंड BST में सुभाष दे एंड देर आर मेनी अदर बुक्स, सो वी वर रेफरिंग टू दैट.
एंड उसके बाद वो CUET रेफर उनसे करो प्रॉपर. लेकिन कुछ बुक्स आती हैं जो मॉक्स देती हैं, मतलब बुक्स प्रॉपरली मॉक्स के लिए आती हैं, या फिर कुछ बुक्स आती हैं जो मतलब CUET के बेस्ड होती हैं, मतलब उसमें प्रॉपर की पॉइंट्स ही होते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए. तो आप वो बुक्स परचेज कर सकते हो, या फिर मतलब 12th वाली जो बुक्स आपने यूज़ की हैं उनको आप थॉरली करो, स्पेशली BST में तो बहुत थॉरली करो एंड इट विल हेल्प यू. मतलब मैथ्स में तो NCERT ऑफ कोर्स, बार बार जितनी बार कर सकते हो, क्वेश्चंस जितने अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड या इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. सो यू आर सेइंग कि NCERT इज गुड फॉर, इज इट गुड फॉर योर डोमेन सब्जेक्ट्स, एक बार यस और नो? सो फॉर माय सब्जेक्ट्स वी वर नॉट रेफर टू NCERT, ज्यादा हमने नहीं करा. ठीक है, CUET के लिए देयर इज नो प्रॉपर बुक, बट यू कैन जस्ट सर्च आउट द syllabus from the official website. और उसके हिसाब से you can create your own strategy basically. Same GT, I guess. GT के लिए भी ऐसा ही होगा. और बाकी के लिए तो आपके पास books हैं. तो okay. So just for the information of the students, कि हमने अभी हमने ये देखा, ये issue, ये problem है कि English के लिए ऐसे कुछ available नहीं होता, GT के लिए कुछ available नहीं होता, और भी बाकी subjects के लिए भी अगर आपको help चाहिए, तो we have launched our crash course. जिसके अंदर एक दो महीने के अंदर वी आर ट्राइंग कि हम मोस्ट ऑफ द सिलेबस को कवर कर लें और अच्छे से कवर कर लें. सो ऑल आवर एक्सपर्ट्स बहुत मेहनत से जुटे हुए हैं टू गिव दैट क्रैश कोर्स टू यू, कि आपका कोई भी पार्ट छूटे ना, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द सिलेबस बहुत डिटेल में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस एक एक चीज़ पे आपको रेडी कर सकें एग्जाम के लिए. तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट. अभी मुझे आपसे जानना है कि सबसे बड़ा आज के टाइम में जो बच्चों का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जिसका नाम है सोशल मीडिया, राइट? सो आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? ओके, एंड हाउ डू यू रेगुलेट दैट यूज, कि आपको पढ़ाई में भी आपके डिस्ट्रैक्शन ना बने, कितना आप कैसे उसको मैनेज करती थी? सो सर, आई एम नॉट समबडी जिसने ऐसे सोशल मीडिया से पूरा डिटैच ही कर लिया हो या कि पढ़ना है, बिकॉज आई बिलीव पढ़ने के साथ साथ व्हेन यू टेक थोड़ा सा ब्रेक 5-10 मिनट का, तो सोशल मीडिया होता है थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होता है. तो यू कैन यूज़ इट बट इन अ गुड वे, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है. थोड़ा बहुत ब्रेक के टाइम यूज़ कर लिया, या फिर ब्रेक के टाइम तो मोस्टली यू जस्ट टेक अ वॉक, वॉक करो, या लिसन टू म्यूज़िक. मतलब म्यूज़िक यूज़ टू वर्क फॉर मी, तो म्यूज़िक सुन सकते हो. सोशल मीडिया का यूज़ करो बट इन अ वाइज वे. या फिर आप मुझे बता रही थी कि लाइक एक छोटी सी चीज जैसे होगी, सो समथिंग विच गिव्स यू इंस्पिरेशन, वो कर सकते हो, है ना? यस सर. सो फॉर मी लाइक बिकॉज शहीद सुखदेव वॉज माई ड्रीम कॉलेज, सो वेन एवर आई यूज टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई स्टडीज, तो मैं मतलब मैं वीडियोज देखती थी यूट्यूब पे, और आई यूज टू सर्च अबाउट शहीद सुखदेव, इनके एल्यूमनाइज कौन रहे हैं, एंड व्हाट्स द पैकेज दैट पीपल गेट आफ्टर ग्रेजुएटिंग. सो मतलब ये चीज़ें मैं देखती थी. बूस्ट करता है. हाँ, अच्छा लगता है कि इट मोटिवेट्स यू कि आप भी जाओ यहाँ पे, तो इट हेल्प्स यू. हाँ बिल्कुल सही बात है, कई बार आपको वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता उस चीज़ से, तो आपको पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, हर मोमेंट क्यों आपको लगाना ज़रूरी है. ऑल्सो वहाँ पे मेरे हिसाब से आप थोड़ा वो भी देख लें कि कितना कॉम्पिटिशन है, वो आपको और ज़्यादा ड्राइव करेगा, है ना? ठीक है, तो अभी पिता आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको इनको कैटेगराइज करना है डूज या डोंट में. सो आई विल से कुछ भी, जो भी पॉइंट है, और आपको बताना है डू या डोंट. ठीक है, ओके. फर्स्ट थिंग इज लेट नाइट स्टडीज. सो सर, फॉर मी इट इज अ डू, इट यूज्ड टू वर्क फॉर मी. ओके, सो डू. या टेकिंग अ बिग ब्रेक आफ्टर एग्जाम. आफ्टर एग्जाम्स आई वोंट से अ बिग ब्रेक, बट एटलीस्ट रिलैक्स फॉर 2-3 डेज. 2-3 डेज इज ओके, सो वी कैन से नो. Don't. Okay. Mocks. A big do. Big do. Watching reels. A big don't, but it sometimes kind of relax you. Malab. Okay. So, but sometimes reels can take you for 2-3 hours. So, don't do it during exams. Exams mein it's a don't. Okay. Last minute revision. It is a do. You should be doing that. Okay. Discussing question paper with friends after exam. Don't. You should not do that. Okay, so this is again don't. Okay, these were the 6 questions we had for do's and don't. Yes, sir. Okay, very nicely answered. Arpita,
it was nice talking to you. I'd just like to ask you for a tip, one or two tips for all the students. जो आपको लगता है कि ये बहुत personally आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए work किया और and this would work for them also. ऐसा कुछ है जो आपको बताना चाहती हैं students को? तो कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि 12 घंटे पढ़ो 13 घंटे पढ़ो but वो focus नहीं होते. सो ये ना मेरे को लगता है कि थोड़ी हाइप है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि 4-5 घंटे पढ़ो बट उसको प्रॉपरली प्रोडक्टिव वे में पढ़ो, फिर छोटा सा ब्रेक ले लो एंड उसके बाद फिर से वापस पढ़ो. तो ऐसा कुछ नहीं है कि 16 घंटे पढ़ के ही होगा, अच्छे से अगर प्रोडक्टिवली थोड़ा भी पढ़ा तब भी वो हो सकता है. सो या फेयर इनफ आई रियली फाइंड इट कि हाँ ये बहुत हाइप है. आपको अगर समझ में आ जाता है तो शायद आपको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एट दिस स्टेज, तो इतना नहीं पड़ेगी. जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं तो जैसे कि 10 क्वेश्चन है, दे आर ऑफ द सेम टाइप, तो वो सारे करने की नीड नहीं होती. हाँ टाइम आपका ठीक हो जाता है, आप जल्दी करते हो, बट स्टिल 2-4 कर लिए फिर एक बार उसको छोड़ दो. हाँ मतलब आप ये स्मार्ट वर्क की जरूरत है आपको. एग्जैक्टली. सो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू अर्पिता. आई होप ऑल एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू यू. व्हाट यू वॉन्ट टू बिकम you will become because you have very strong determination and you have proved it so far and you will prove it in the future also, and you can make your parents proud again and again. So thank you very very much. And you can, okay, last point, you can share how was your experience with this podcast. So it was my first time and I really loved it. I was a little conscious in the beginning with the camera, it was for the first time. Okay. But yeah, it has become so natural now. Did you enjoy it? I enjoyed it a lot. Okay, nice. Okay, okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir.